सकीना समो को कोई मशवरा देना चाहेंगे? जी मैं उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये मुनाफिक लोग हैं। ठीक है, अल्लाह माफ करे, मैंने तो तब भी कुछ नहीं कहा, उनको इतनी तकलीफ हुई, इतना उन बेचारी को दुख हुआ, मुझे तो लगा कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अली जफर को मेरे पीछे ही पड़ गई। मतलब आपको मिला सब ठीक था, हमें मिल गया, आप इतनी तक को तकलीफ हो गई क्यों? मतलब मैंने इनके साथ एक प्ले किया था माफी जी, बड़ी अच्छी डायरेक्टर है और बड़ा अच्छा काम करवाया और इतनी खुश हुई मेरे काम से, और मुनाफ़त देखें क्या आप वहां कह रही हैं, मुझे फोन करके कहते हैं आपके पास नंबर है मेरा, किस बात की तकलीफ हुई? मैंने काम किया सकीना जी, अगर आपने काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे अच्छा काम किया मैंने, मैंने लोगों को बहुत एंटरटेन किया, बर्दाश्त नहीं है इनके अंदर। और फिर अब कुछ ऐसा भी है मैंने देखा लोगों में कि बस एक बात कह दें कि हम जो सोए हुए लोग हैं जिनको पता नहीं हमारा वजूद मर चुका है, एक बात ऐसी कह देंगे कि अगले के साथ तस्वीर लगवा के अपनी खबर बनवानी है बस। खुदा की कसम कभी ऐसा नहीं किया, सारी जिंदगी आप शान मायून सबसे पूछें, हमेशा रिस्पेक्ट की, हमेशा इज्जत दी और हमेशा देती रहूंगी। मैंने सीनियर्स की, जूनियर्स की, सबके साथ काम, एक शख्स नहीं कहेगा कि रेशम कभी हमारे साथ इन्होंने कभी बुरा सलूक किया या कभी लड़ी है। तो मुझे ना, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे बहुत हज़ारों कॉल आई कि ये आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, तो भैया आप होती कौन है एतराज़ करने वाली, कौन है आप? ठीक हो गया, आई एम श्योर आपकी ये बात उन तक पहुंच चुकी होगी।